नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बूंदी जिले के हिंडोली में पिछले दिनों कांस की आतरी में सदमे से एक किसान की मौत हो गई। किसान की मौत का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मुख्य बस स्टैंड पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी बाइक रैली से उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मृतक की भूमि पर जबरन जेसीबी चलाकर फसलों को नष्ट किया गया, जिसके चलते किसान की मौत हो गई। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान के परिवार की खैरियत तक नहीं पूछी। खबर बूंदी से है, जहां कोटा में दिए गए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर तालेड़ा में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश सचिव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूनिया के खिलाफ रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय के बाहर पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। दो दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सतीश पूनिया जी जब कोटा आए तो उन्होंने ऐसा एक अमर्यादित बयान दिया जिसने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के जूती के बराबर बताया। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जूती के बराबर है कि नहीं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आपकी पार्टी में जो आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हो, मैं कह सकता हूं कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया की जूती के नोक के बराबर भी आप नहीं आए हो और सपना देख रहे हो मुख्यमंत्री बनने का। खबर राजधानी जयपुर के चोमू से है, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने रीट परीक्षा रद्द होने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। विधायक रामलाल का कहना है कि रीट परीक्षा में सीबीआई जांच होनी चाहिए और जब तक प्रदेश सरकार मांगों को मान नहीं लेती, भाजपा द्वारा धरना और युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रम यथावत रहेंगे। राजस्थान की सरकार ने फैसला किया है कि रीट लेवल 2 को हम निरस्त कर दें और निरस्त के उपरांत 62,000 पदों के ऊपर हम भर्ती करने का काम करेंगे। राजस्थान की सरकार ने रीट परीक्षा के संदर्भ में यह निर्णय लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मांग हमेशा से यह है कि इस पूरी परीक्षा की जांच सीबीएसई से होनी चाहिए और इस परीक्षा के अंदर जिनकी संदिग्ध भूमिका है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की हो, चाहे अन्य व्यक्तियों की हो, चाहे राजस्थान सरकार के अधिकारियों की हो, चाहे राजस्थान के अंदर नकल का एक संगठित गिरोह बन चुका है उनकी भूमिका हो और चाहे अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की भूमिका हो, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की मांग हमेशा से यही रही है कि सीबीआई से जांच हो, दूध का दूध पानी से पानी हो और जो गुनहगार है वो सारे के सारे गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे हो। सिरोही जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जागरूकता के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। जागरूकता वाहन को स्वास्थ्य भवन से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बता दें कि इस वाहन के माध्यम से आबूरोड के 3 गांवों और रेवदर के 7 गांवों में नियमित रूप से टीकाकरण को सुनिश्चित किया जाएगा। अलवर जिले की बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बानसूर में कुछ दिनों पहले 2 चोरों ने राशन डीलर की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही में चोरी हुआ माल भी बरामद कर लिया है आरोपियों के कब्जे से। घटना में प्रयुक्त एक पिकअप बोलेरो और एक मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। तो चलिए, आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।